पूरे देश में सर्दी का कहर है, ठंड बढ़ गई है, लेकिन किसान आंदोलन की गर्मी ने सियासत में उबाल ला रखा है। किसान संगठनों और सरकार में आठवें दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसानों की तरफ से आज आह्वान किया गया कि करनाल में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा निकाली जाएगी। करनाल के आसपास के सभी गांवों के किसान अपना अपना ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर नई अनाज मंडी पहुंचे और वहां से रैली शुरू होकर पूरे शहर में अलग अलग जगह गए। उसके बाद अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत जिला सचिवालय के पास भी पहुंचे और सरकार को जमकर कोसा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 10 जनवरी को करनाल के कैमला गांव में आने की जानकारी है। किसानों ने कहा कि अगर वो आते हैं तो उनका विरोध करेंगे और कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। इन्हें किसानों नु दुखी करता है, मजदूरों नु दुखी करता है, व्यापारियों नु दुखी कर दिता इन्हें। असी इन्हू इहदे लई थोड़ा प्रधानमंत्री बनाया सी कि साडा खेरू खेरू करते सानू तू। असी इन्हू प्रधानमंत्री बनाया सी कि साडे देश नु अगे लैके चल, GDP वधा, हर बंदे दा साथ दे। लेकिन यह तो पुठे पिछे नु चल गया, वी इन्हें भी किसी नु जोन ही नहीं देना। इन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री 3 बंदियां दा बन के रह गया ओनली, जिहड़े कारपोरेट जगत के ने अंबानी अडानी वगैरह टाटा, ये उन्होंने बन के रह गया। इनू चाहिए इन्हें प्रधानमंत्री, हर बच्चे का आता है देश के, जिनी भी जनता सब का आता है। बिना दसिया, बिना पूछा, बिना सलाह कित्या इन्हें कानून बना दिते ने। साडे ते कानून थोपन दिया जो सानू कानून की जरूरत ही नहीं, तो असी कानून जो चाहिए नहीं सानू साडे हालते रहन दे। असी सिर्फ अपने हालते रहना चाहते सानू। अज जिथे असी खड़े हाँ, इतों का मनोहर लाल खट्टर नू 2 MLA बना के भेजा। एक वारी भी उस बंदे ने किसी किसान नाल गल नहीं की। अज करनाल दे कोने कोने चो, पिंड पिंड चो, गली गली चो ट्रैक्टर लैके किसान इतने हजारों के हिसाब नाल इकट्ठा हो, 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा होया इतने। असी इन्हों की अख खोलन वास्ते, इन्हों के कन्न खोलन वास्ते खट्टर दे ते मोदी दे आ प्रदर्शन कर रहे हैं। BJP का नेता, कोई भी नेता छोटा जा वड्डा, उन्हें पिंड च नहीं वड़न देंगे किसी पिंड दे विच भी। असी उन्हों का गड के विरोध करांगे। जिवें अंबाले दे विच मनोहर लाल खट्टर नूं वापस भेजा ही ना पुट्टी पैरी, इस तरह भेजांगे इत्थों। इसका यही संदेश है, क्योंकि कल KMP पे भी मार्च होना था, आज होना था, उसकी डेट एक आगे बढ़ा दी थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। मैं भी रात वहीं से आया हूँ, तो हमारा आज का ये मार्च था करनाल का, और हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं। एक तो अपने देश की जनता को संदेश है, हमें आम जनता का इसमें पूरा समर्थन मिल रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और भाइयों से भी जो अब तक इस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि जो ये कानून है ये किसानों से ज़्यादा देश की आम जनता को नुकसान करेंगे। असल में ये आंदोलन तो किसानों ने शुरू कर दिया, पर असल में इससे प्रभावित पूरे देश की जनता ने होना है, कारण है, क्योंकि ये जो कानून है जरूरी वस्तु अधिनियम इन्होंने ख़त्म किया है, काला बाजारी का सरकारी एक लाइसेंस दे दिया है गवर्नमेंट ने स्टॉक सीमा ख़त्म करके। हमारा यही अपील है, देश की सारी जनता इसमें पूरा जोर शोर से हमारा सहयोग कर रही है, उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, और बड़े व्यवस्थित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है। हमें पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, और 26 तारीख को हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है गणतंत्र दिवस पर। हम 1,00,000 ट्रैक्टर लेकर परेड करने वाले हैं। पहली बार देश की गणतंत्र दिवस की परेड में देश का किसान अपने ट्रैक्टर से शामिल होगा। सरकार के मन में भरेखा था, शंका थी कि शायद इन लीडरों में से कोई ना कोई लीडर कह देगा कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी संगठनों ने पूरी जुट से, दृढ़ इरादे से उस दिन ये कह दिया, मेथत पाके कहा कि हम ये 3 कृषि कानून रद्द कराकर और MSP पूरे भारत में कानून के तहत लागू कराकर ही पीछे हटेंगे, ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। हम आज किसान रैली निकाल रहे हैं यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे भी यहाँ मेरे हरियाणा का कोई भी किसान नहीं है, उनकी आंखें खोलने के लिए ये किसान रैली निकाल रहे हैं भी। यहाँ हरियाणा के लोग भी हैं, वो भी, उनकी जमीर जिंदा है, यहाँ के किसान भी जिंदा हैं, वो अपने आप को साबित कर रहे हैं भी, हम यहाँ अपना रैली निकाल रहे हैं। बारिश हो या कोहरा या फिर शीतलहर, किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ है और उसे अलग अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शनों से सपोर्ट मिल रहा है। अगली बातचीत सरकार और किसान संगठनों की 8 जनवरी की है। देखना होगा कि इस बातचीत में क्या कोई हल निकल पाता है।